नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर भाजपा ने राज्य की गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध हल्ला बोल प्रदर्शन कर उपखंड कार्यालय का घेराव कर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने व बिजली दरों में भारी वृद्धि को वापस लेने के साथ अपने घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने व बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी व जिला मंत्री सरदूल सिंह कंग के नेतृत्व में देते हुए टीटी ने कहा कि गहलोत सरकार का असली चेहरा प्रदेश की जनता देख चुकी है कि किस तरह से विधायकों को खुश कर अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि होना सरकार की कमजोरी। पूरे करो, कर्जे माफी का वादा पूरा करो, बेरोजगारों को भत्ता दो, प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी वर्दी का ख्याल करो, अपनी कुर्सी का ख्याल करो, सबके लिए न्याय करो, हर आदमी की बात बन के और हर आदमी को न्याय मिले, ये प्रशासन की ड्यूटी है। यह नहीं है कि जिसका मर्जी जाके मकान करा दो, जिसको मर्जी जाके झूठा मुकदमा बना दो, जिसको मर्जी अंदर डाल दो। ये आज तक कभी नहीं हुआ हमारे यहां। इसलिए मैं आज इस प्रदर्शन के अंदर प्रशासन को भी कह रहा हूं कि आप ठीक चलो भाई, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और नौकरी नियम और कानूनों से बंधी होती है। मैंने भी 19 साल नौकरी की है, कोई नहीं पूछता जब झटका लग जाता है। आज जिस तरह से शरेआम वसूलियां हो रही हैं, जिस तरह से शरेआम कचहरी और थानों के अंदर एक तरफा कांग्रेसी वर्कर कब्जा करके चला रहे हैं, ये नहीं चलने वाला काम, ये ठीक नहीं है। न्याय बनना चाहिए, जंगल राज नहीं होना चाहिए। इसलिए मित्रों, वादा किया कि हम बिजली का 5 साल तक रेट नहीं बढ़ाएंगे, 5 बार रेट बढ़ गए। आज स्थिति ये हो गई, बिल 200 रुपए का बिजली का और टैक्स 600 रुपए, आपने कल अखबार में पढ़ा है। गरीब आदमी जितनी बिजली खर्च करता है उससे 4 गुना टैक्स दे रहा है बिजली पर, और गरीब के घरों में बिजली के मीटर उखड़ने लग गए हैं। आज इस सरकार ने जिससे भी मजदूरों के साथ, हमारे टाइम में 32 लाख मजदूरों को हमने उनकी बच्चियों के लिए शुभ शक्ति योजना में पैसे दिए, उनकी पढ़ाई के लिए बच्चों के पैसे दिए, मकानों के लिए दिए, आज एक भी कार्ड नहीं बन रहा और एक नया पैसा मजदूर को नहीं मिल रहा। BPL परिवार, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, 10-10 लाख के ऑपरेशन और 100 ऑपरेशन एक जिले में हमारे हम होते थे फ्री में, आज एक भी नए पैसे का इलाज गरीब को नहीं मिल रहा।